उमना, तुमने घर से भागकर अपने माथे पर बदनामी का धब्बा लगा दिया है उमना, और उसी धब्बे की स्याही कल को मेरी बच्ची के मुस्तकबिल को तारीख कर देगी। अगर तुम घर से नहीं भागती तो ये सब कुछ जो मुकद्दस के साथ हो रहा है, बार बार तुम्हारी गलती की वजह से जो ये रिश्ते ठुकराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो इतनी रिजेक्टेड नहीं फील करती। देखो, समझने की कोशिश करो, अगर हम मुकद्दस की शादी खानदान से बाहर करते हैं तो तुम्हारी गलती का खुमियाजा उस बेचारी को भुगतना पड़ेगा। देखो मुन्ना, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद जाहिर सी बात है, सब मुकद्दस से शादी करने के लिए हिचकिचाते हैं, और सिर्फ इसलिए मैंने आपा से मुकद्दस के लिए, फारिस के रिश्ते के लिए बात की। मेरी सच्चाई, मेरी सच्चाई जानने के बाद अकेली भागी थी मैं? भगाया तो आपने था ना, आपने कहा था कोर्ट मैरिज करते हैं, तो फिर अब ये सारा कसूर मेरा कैसे हो गया? क्योंकि तुम एक औरत हो, और तुम जानती हो हमारे माशरे में औरत की किसी भी गलती को माफ नहीं की जाती, और वही गलती हमारे बच्चों के सामने आ रही है। माशरे का सहारा लेके आप अपनी भी सारी गलतियां मेरी चोरी में डाल देंगे? उमना, देखो इस बारे में मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। कसूर मेरा था या तुम्हारा, उन बातों का क्या फायदा? मैं फैसला कर चुका हूं, मुकद्दस की शादी अब फारिस से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे कहाँ जा रही हो? अम्मा को चाय देने। तो बाद में चाय दे दो, बैठो ना मेरे साथ प्लीज। मुन्ना, हो सके तो मुझे माफ कर दो मुन्ना, कल रात मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वाकई बहुत ही शर्मिंदा हूं मुन्ना, और पूरी कोशिश करूंगा आइंदा ऐसी गलती में नहीं करूंगा। कभी कभी मुझे क्या हो जाता है मुन्ना, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना।